हेलो दोस्तों, आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ माता रानी की 6 चुंडियाँ। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत, और ये जो कि आप बना सकती हैं माता रानी के लिए, जो फोटो के लिए खासतौर से मैंने चुंडी बनाई है। हर डिज़ाइन अलग है, बहुत सिंपल है इसको बनाना। अगर आप इस चुंडी को बनाना चाहती हैं तो शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं आपको व्हाइट कलर का जो चुंडी है उसे बनाना बताऊँगी, और इन सब में आप सभी के क्वेश्चन होते हैं कि मैंने कपड़े का साइज़ क्या लिया है। तो इसमें कपड़े का साइज़ आप जितने आपके फ़ोटो का साइज़ है उतना बड़ा आप कटिंग कर लीजिए नाप के, क्योंकि हर किसी के फ़ोटो के साइजेस अलग अलग होते हैं। तो आप अपने फ़ोटो के साइज़ के अनुसार चुंडी को कट कर लीजिए और उसे इस तरह सिक्योर करके सिल लीजिए। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, आप सुई से सिल सकती हैं, आप इसमें स्टेपलर का हेल्प रख सकती हैं, या आप अगर मशीन से कम्फर्टेबल हैं तो उससे भी आप सिल सकती हैं। बहुत ही आसान तरीके से सिलना है इसको, बहुत ईजी है। अगर सिलाई आप मोटी मोटी भी करती हैं तो चलेगा, क्योंकि इस पर जब आप लेस चढ़ाएंगे ऊपर से तो वो क्या होता है, जो सिलाई है वो कवर हो जाता है, दिखता नहीं है और बहुत खूबसूरत लगता है। फिर होता है क्वेश्चन कि आप किस कपड़े का मतलब कर सकते हैं चुंडी की सिलाई। तो अगर आप साटन का कपड़ा ले तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो साटन का कपड़ा थोड़ा शाइनिंग होता है, तो वो चुंडी में जो है उसकी खूबसूरती चुंडी की है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप माता रानी का चुंडी बनाते वक्त साटन के कपड़े का ही यूज करें। तो इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप मेरे पूरे वीडियो को एंजॉय कीजिए, बहुत ही सिंपल है। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।